हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है तीज और हम लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का फिलहाल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो 8:30 में आ जाएंगे और अभी 9:05 हो रहा है, अभी तक नहीं आए। तो उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि मम्मी पूजा करेगी और मम्मी बोली कि तुम भी पूजा कर लो, तो मैं भी पूजा करने वाली हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। तो हम लोग पंडित जी का वेट कर रहे हैं फिलहाल, वो आएंगे पूजा करेंगे, उसके बाद मैं खाना वाना खाऊंगी। A few moments later. ते ध्यानार्थे पुष्पाणि यष्टदान समर्पयामि गणेश जी पचराधिव के जल्दी वसनान के लिए गंगा गोदावरी रिवं समर्पयामि श्री गणेश अंबिका व्याम नमः। जल चढ़ गेल Early the next morning. तो आज सच्ची सुबह उठ के बहुत मेहनत करके बहुत सारा चीज खाने के लिए बनाई है, क्योंकि मम्मी को पूजा करके खाना था, तो सच्ची बनाई है ये सारा चीज। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बैंगलोर, क्योंकि मेरा हॉस्टल है वहाँ पे और मुझे अपना सारा सामान वापस लाना होगा, क्योंकि कॉलेज तो अब ख़त्म हो चुका है और सामान भी काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, इसलिए सामान लाना बहुत ज़रूरी है। तो सामान लाना था और रिक्की को कुछ काम है डॉक्टर से, इसलिए भी हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। तो रिक्की, मैं, सट्ठी और मम्मी, हम लोग चारों जा रहे हैं और घर में बाबू और पापा रहने वाले हैं सिर्फ। तो हम लोग की ट्रेन है पाटलिपुत्रा से 8:30 बजे रात को, इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं, 10:30 के करीब निकल जाएंगे यहाँ से पटना और फिर वहाँ पे अपनी बुआ के घर रहेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वहाँ से ट्रेन लेके निकल जाएंगे और फिर पहुँचेंगे बैंगलोर संडे को, मतलब 2:45 आवर्स के बाद शाम में। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, खाना वाना खा चुके हैं, सारा सामान भी पैक हो चुका है। ये नहीं देखी तो तुम जिंदगी नहीं जी हो। गीता गोविंदा साउथ इंडियन पिक्चर और ये गाना, ये है और एक और मूवी सुनाना मिठू कौन सा Approximately 10 hours later. तो यह है पाटलिपुत्र स्टेशन और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। दो कौन सा भाग यहां पकड़ने क्या पता कहीं मास के लिए तो ये ट्रेन लगी हुई है हमारी और हमें बस चढ़ जाना है। ये तो खाली है, नहीं यहाँ पे कोई आ चुका है। हाँ डालो बेटे। तो हमारा 2 सीट है, नीचे वाला दोनों, साइड का ऊपर और एक मिडल में। फिलहाल तो ट्रेन खाली दिख रही है, ज़्यादा भीड़ भीड़ नहीं है और एसी में तो ऐसे ज़्यादा भीड़ होता भी नहीं है, पर हमारे बॉगी में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। फिलहाल हम ही लोग बस आगे बैठे हैं और एक और इंसान है जो कि यहाँ बैठा है मिडल में। तो हम लोग डिनर कर रहे हैं अभी।
कर रही है जो कि है, नहीं मम्मी तो जा रही है तो मम्मी स्वेटर बुन रही थी, और सट्टी यहाँ पे फोन में लगी है, रिक्की भी यहाँ फोन में लगी है, नहीं रिक्की तो बुक पढ़ रही है, तो मैं भी एक बुक लेकर आई हूँ जो कि मैं कल पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि हम लोगों को कल पूरा दिन रहना है और परसों शाम तक रहना है इसीलिए, और मेरा नेट भी ख़त्म है तो मैं कुछ टाइम पास करने वाली हूँ जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, तो वैसे ही कुछ टाइम पास करूँगी। उसे आप हम लोग सो जाने वाले हैं। Early the next morning. तो हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी और एग बिरयानी, दोनों दो दो, दो दो चिकन बिरयानी और दो एग बिरयानी, और काफ़ी जल्दी, और ट्रेन काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई है, सुबह में एकदम साफ वाफ करके गया और खाना भी काफ़ी जल्दी ला के दे दिया 11:30 में, तो अब हम लोग खाना खाएंगे। मम्मी तो खाना शुरू भी कर चुकी है, इनफैक्ट चेन्नई स्टेशन पे उतरे हैं क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि कुछ खाएंगे यहीं पे इडली डोसा, लेकिन हम लोग 10th नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे आए हैं देखने के लिए कि क्या है खाने को। अब बोला कि मेरा 9, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो हम लोगों को लग रहा है कि ये लोग सब कॉलेज स्टूडेंट हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलेज खुल गया है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं बच्चे। ये हमारा ब्रेकफास्ट और ये समोसा। तो टोटल हम लोग 45 आवर्स यानी कि 2 दिन और 2 रात के बाद पहुंचने वाले हैं, बस 2-3 मिनट और बाकी है पहुंचने में, रिपीट किया है और एंड में, बाकी टाइम तो ट्रेन का रफ्तार सही था लेकिन एंड में आते आते मूड ख़राब होने लगा, अभी भी रुकी हुई है, बस 3-4 मिनट में पहुंच जाएंगे लेकिन तो फिर कुछ नहीं। तो ये दूसरी ट्रेन है जो क्रॉसिंग, जिसकी क्रॉसिंग हो रही है और हम लोग यहाँ पर 15 मिनट से खड़े हैं, जो कि हम लोग 2-3 मिनट में पहुंच सकते हैं आराम से, लेकिन दो दो ट्रेन की क्रॉसिंग कराई है बिना किसी नोटिस के और हम लोग एकदम इरिटेट हो रहे हैं कि जल्दी से पहुंच जाए। और रिक्की तो पागल हो चुकी है, जो मारे जा रही है हम लोग। हम लोग एक और स्टेशन था बाईपन अली, वहाँ पे उतरने का सोच रहे थे लेकिन वहाँ से मेट्रो स्टेशन अगर, मतलब मेट्रो अगर लेते हम लोग तो लेकिन अगर वहाँ से हम लोग मेट्रो लेते तो हम लोग को एक जगह रुकना पड़ता और
मेट्रो चेंज करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो पहुंच के कर लेते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे और हम लोग थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ का फर्स्ट मिस्टेक है वो है रिक्की का, रिक्की के लाइफ का फर्स्ट मिस्टेक है ये। हाथ गुल्लन जैसा खुला हुआ लग रहा था। तो बस अब हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। अब तो चला दो भाई ट्रेन। फाइनली पहुंच गए अब हम लोग। मम्मी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन तो अब हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल गए और जस्ट ऑपोजिट में है मेट्रो स्टेशन, तो हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन मेरे पीछे है और मेट्रो स्टेशन मेरे आगे है, यानी कि यशवंतपुर में ऐसा सीन है। बाकी स्टेशन्स का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है पर मोस्टली पास पास ही होते हैं। हमारे पास सामान काफ़ी है इसलिए हम लोग लिफ्ट से जाने वाले हैं, तो आ गए हैं लिफ्ट के पास। तो यहाँ पे लगेज का टिकट ले रही है रिक्की, क्योंकि हमारे पास दो लगेज है तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो उसके लिए अलग टिकट लेना पड़ता है और नॉर्मल इंसान का भी अलग टिकट लेना पड़ता है। हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं रिक्की के कॉलेज के एरिया में। रिक्की का कॉलेज है कुमार स्वामी लेआउट में, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और परसों जाएंगे मेरे कॉलेज। तो मेरे कॉलेज से नियरेस्ट मेट्रो जो है वो है विधानसभा का, तो हम लोग रिक्की का कॉलेज जा रहे हैं इसलिए यहाँ आए हैं और अब हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।